बिसमीम्सम क्लास उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे तो आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में कुछ मज़ीद डिटेल तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल इन दी स्टैंडर्ड पोज़िशन कि एंगल्स जो हैं वो किस तरह की पोजिशन में लिखे जा सकती हैं एन एंगल इज़ सेट टू बी इन स्टैंडर्ड पोज़िशन इफ इट्स वर्टेक्स वर्टेक्स मीन ये कॉर्नर पॉइंट जो होता है जैसे एक स्ट्रेट लाइन ये है दूसरी ये तो ये हमारे पास क्या है वर्टेक्स इफ़ दर्टेक्स लाइज एट दी औरिजन ऑफ आ रेक्ट एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्ट एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले कर जो हम ये सिस्टम अरेंज करते हैं ये हमारे पास कोआर्डिनेट एक्सिस है अगर किसी भी एंगल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसी ओरिजन पर यानि ये जो ओरिजन है जिन पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर इस पॉइंट पे इसकी वर्टेक्स बनी हो एंगल की तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड पोजिशन होगी ऑफ दैट एंगल जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं एंगल अल्फ़ा इज़ इन स्टैंडर्ड पोजिशन बिकॉज इट्स लोकेटेड ऑन ओरिजन इसी तरह बीटा भी हमारे पास स्टैंडर्ड पोजिशन में है क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो भी ओरिजन पर है गैमा एंड थीटा आल्सो इसके बाद ये हमारे पास कुछ मजीद डेफिनेशन है जिसे मजीद क्लियर होगा कि एंगल्स जो हैं वो किस क्वाड्रेंट में है और क्वाड्रेंट क्या होते हैं इसके बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंगल अल्फा लाइज इन वन क्वाडन वन क्वार मीन दिस क्वार राइट एज इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन फर्स्ट क्वारंट टर्मिनल साइड मतलब जैसे ये एरो का निशान है यहाँ पर एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है सो so, एंगल की टर्मिनल साइड यहाँ पर फर्स्ट क्वारंट में है इसलिए अल्फा का टोटल एंगल फर्स्ट क्वारन में है बीटा के एंगल को देखें एंगल बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रंट एज इज टर्मिनल साइट लाइज इन सेकेंड क्वार्रंट दिस इज़ फर्स्ट क्वार्रंट दिस इज सेकेंड दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रंट यहाँ पर बीटा का टर्मिनल साइट जो है बीटा की टर्मिनल साइट वो सेकेंड क्वाड्रंट में है इसलिए ये एंगल बीटा भी हमारे पास क्वाड्रंट टू में है इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखें गैमा गैमा का जो टर्मिनल पॉइंट है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में सो गैमा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फॉर थीटा वी नोट दैट वर्टेक्स और टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्लास ये हमारे पास कुछ परफेक्ट एंगल्स हैं नाइन्टी वन एटी टू सेवेंटी थ्री एटी और ये बाउंड्री पर अवेलेबल हैं यस जैसे नाइन्टी को देखा जाए तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट चेंज जिस पॉइंट से होते हैं दोनों क्वाड्रेंट्स के दरमियान एज अ बाउंड्री ये लाइन कंसीडर की जा सकती है अगर इस बाउंड्री तक ये एंगल नोट किया जा रहा है तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट तक अगर इसको कवर किया जाएगा तो ये हमारे पास नाइन्टी है अगर इसको सेकेंड क्वाड्रेंट तक कवर किया जाएगा वन एटी थर्ड क्वाड्रेंट तक कवर किया जाए तो ये टू सेवेंटी और कंडीशन वही है कि ये बाउंड्री लाइन के साथ हो यानी बाउंड्री लाइन तक एंगल मायर किया जाए और यहाँ पर ये हमारे पास थ्री सिक्सटी इन फोर्थ एंगल्स को हम एक नाम देते हैं दैट इज़ क्वाड्रेंटल एंगल्स और ये फोर जो एंगल्स हैं ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं ये हमारे पास एक कार्बिटरी राइट ट्राइंगल है और राइट right ट्राइंगल होना भी ज़रूरी है इसके अकॉर्डिंगली इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे हमने कुछ नाम दे दिए हैं इस ट्राइंगल के साइड्स को ए बी सी और पैथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते होंगे मसला फिसागोर्स जिसे उर्दू में हम कहते हैं पैथागोरा थ्योरम को उर्दू में मसला फीसागोर्स कहते हैं तो उस फार्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसी को यूज़ करते हुए हम कुछ वैल्यूज़ भी बनाएंगे इस ट्रायंगल से अपने एंगल के अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर सी एंड टेन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर बी ये तीनों रिजल्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसलिए एटलीस्ट आपने नेक्स्ट हमारे पास है कॉसिकेंट कॉसिकेंट अगर साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल किया जाए तो ये हमारे पास कॉसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ए बाई सी है तो अगर इसको रेसीप्रोकल करें यानी उल्टा कर दें तो ये हमारे पास सी ओवर ए आ जाएगा इसी तरह अगर कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास सिकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी और टेन थीटा की वैल्यू को अगर रेसिप्रोकल किया जाए तो ये हमारे पास कोटेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी जिसे मज़ीद प्रिसाइसली हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसिकेंट इज इक्वल टू वन ओवर साइन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू वन ओवर कॉस थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू वन ओवर टेन थीटा और अगर हम इस फार्मूला को रेसिप्रोकल करें तो टेन रेसिप्रोकल होने के बाद कॉट और यहाँ पर इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करें यानी उल्टा करें तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा कॉज ओवर साइन यानी जब भी टेन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी तो इस तरह अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को लेफ़्ट और राइट right साइड दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी टेन कॉट में चेंज हो जाएगा सो so, आपने ये फार्मूलाज क्लास अच्छे से याद रखनी है कॉसिकेंड ट कॉट एंड कॉट अगेन और ये आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव ये आपके पास फाइव फार्मूलाज हैं ये आपने याद रखने हैं अच्छे से क्लास एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस कैसे लिखा गया इसके बारे में यहाँ से मैं आपको डिटेल बताती हूँ अगर हम साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू पर डिवाइड करवा दें तो ये इस इक्वल टू आ जाएगा ए बाय सी ओवर बी बाय सी 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 से कैंसल और ये इज इक्वल टू आ गया ओवर बी और ओवर बी हमारे पास किसके इक्वल है टेन थीटा इसलिए ये फार्मूला लिखा जा सकता है टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन बाय राइट ओके okay, क्लास अब अगर हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे लिखें और फाइंड आउट करना चाहें कि इस पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हैं ये किसके इक्वल है और इनके अकॉर्डिंगली हम ट्रिग्नो मेट्रिक को कैसे अरेंज कर सकते हैं तो ट्रिग्नो मेट्रिक को अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट करना चाह रहे होंगे तो हम प्रीवियस रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे इन्हीं रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे और हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फर्स्टली हमने क्या किया इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये हमने एक राइट ट्रायंगल बना ली हमारे पास इस पॉइंट पर ए अवेलेबल था इस पॉइंट पे बी और इस पॉइंट पे सी अब अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं और ये हमने लेट किया तो ये पॉइंट जो है या ये लाइन जो है अब हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू ओवर सी है लेकिन यहाँ पर एक की जगह पर जो नोटेशन यूज़ हो रही है वो है वाई और सी की जगह जो नोटेशन यूज़ हो रही है वो है आर सो साइन थीटा इज़ इक्वल टू वाई ओवर आर इसी तरह हम बाकी कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यूज़ अरेंज करते हैं ओके okay, क्लास कॉस थीटा की वैल्यू एक्स ओवर आर किस तरह से आई अगर हमारे पास राइट right ट्राइंगल ये है और यहाँ पर वाई यहाँ एक्स और यहाँ आर है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बेस ओवर हाईपोटीनियस सो एक्स ओवर आर हमारे पास है कॉस की वैल्यू इसके बाद अब tan की वैल्यू को बनाना है तो tan की वैल्यू हमारे पास बनती है परपेंडिकुलर यानी यहाँ जो ये लेंथ आएगी ये परपेंडिकुलर लेंथ है ये लेंथ ऊपर और यहाँ बेस है हमारे पास एक्स और ये एक्स आएगा नीचे क्लास आपने ये तीन वैल्यूज़ तो अच्छे से याद रख लेनी है उसके बाद आपको बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी कैसे साइन थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दिया जाए तो ये किसके इक्वल है कॉसिकेंड कॉज की वैल्यू को उल्टा कर दिया जाए रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ये इज इक्वल टू है सिकेंड और सेम अगर टैन की वैल्यू को उल्टा कर दें यानी रेसिप्रोकल कर दें तो ये किसके इक्वल है कॉट एजेंट के सो so, ये हमारे पास रिज़ल्ट बनते जाएंगे आपने ज़्यादातर वैल्यूज़ याद रखनी है साइन कॉज और टैन की बाकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आप इसी फार्मूला से रेसिप्रोकल करते हुए फाइंड कर लीजिएगा ओके क्लास नेक्स्ट अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ये आपने तीनों फार्मूलाज़ ज़ुबानी अच्छे से याद रख लेनी है फर्स्ट फार्मूला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन वन प्लस टेंथ स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू सिकेंड स्केयर थीटा वन प्लस स्केयर थीटा इज इक्वल टू स्केयर थीटा अब ये फार्मूलाज किस तरह से बने और किस तरह से हमने इनको डेवलप किया है इसकी सारी डिटेल अब हम नीचे देखेंगे क्लास अभी जो हम रिजल्ट यूज कर रहे थे साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर यहाँ आर इज इक्वल टू है स्केयर रूट ऑफ एक्स स्यर प्लस वाई स्केयर ये जो आर जिस आर से हम डिवाइड करवा रहे हैं ये इज इक्वल टू है एक्स स्यर प्लस वाई स्केयर यानी परपेंडिकुलर का भी स्केयर और बेस का भी स्केयर प्लस और उनका स्केयर रूट ले लेंगे तो ये आर के इक्वल रिजल्ट है और ये आर और ये इक्वेशन क्या है एक्चुअली आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और ये रिजल्ट बना है पैथागोरस थ्योरम से अब इसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये एक ट्रायंगल बनाई राइट ट्रायंगल ए बी सी ए बी और ये सी पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या आता है हाइपोटेनियस प्लस हाइपोटिनियस हमारे पास क्या है ये सबसे लेंथी जो हमारे पास साइड होगी वो हमारे पास हाइपोटिनियस है दैट इज़ सी सो सी स्केयर इज इक्वल टू बेस केयर बेस हम यहाँ पर बी को ले रहे हैं और हाइपोटिनियस हम ले रहे हैं यहाँ पे सी को परपेंडिकुलर ले रहे हैं हम यहाँ पे बी को सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर को यहाँ पहले लिख लिया कोई भी नहीं है और ये बी स्केयर को मैंने बाद में लिख लिया दैट इज बेस फार्मूला क्या है सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर राइट इसे चाहे बी स्केयर प्लस ए स्केयर भी लिख लें कोई फर्क नहीं है फार्मूला आपका एक्यूरेट ही होगा ओके okay क्लास अब हमारे पास ये सारी कंडीशन है हम इस पूरी इक्वेशन को जरा एक और स्टेबल फॉर्म में लिख लें ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर अब फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को सी स्केयर से डिवाइड करवा दें जब सी स्केयर से डिवाइड करवाएंगे तो हर नंबर को हम सी स्केयर से डिवीज में लिख देंगे ये आ गया हमारे पास ए ओवर सी और ये आ गया हमारे पास बी ओवर सी और यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई सो so, यहाँ पर वन आ जाएगा ओके okay, क्लास इस ट्रायंगल से नोट करें अगर हम साइन थीटा की वैल्यू बनाएं तो क्या बनेगी ओवर सी और अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू अरेंज करें तो वो हमारे पास आ जाएगी बी ओवर सी सो ये वैल्यूज़ अब हम इनकी नीचे पुट करेंगे ओवर सी की जगह पर साइन और b ओवर c की जगह पर cos स्केयर जब ओपन करेंगे तो यहां पर थीटा से पहले स्केयर लिख दिया जाएगा सो so, ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हो गई अब हम इसके बाद सेकेंड वाली को प्रूफ करते हैं दैट इज वन प्लस टेन स्केयर इज इक्वल टू सेकेंड स्केयर ओके क्लास नेक्स्ट टर्म को प्रूव करने के लिए फर्स्टली हम इसी ट्राइंगल का यूज़ करेंगे इसको मैंने बना लिया उसी तरह से और पैथागोरम स्थिरम के अकॉर्डिंगली हमें ये फार्मूला चाहिए था हमने इस फार्मूला को भी लिख लेना है और इसके बाद हमें क्योंकि वन प्लस टेन चाहिए तो वन प्लस टेन टेन बनाने के लिए आपने क्या करना है इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे हम बी से सो बी स्केयर से डिवाइड करवा दिएगा तो हर टर्म के नीचे बी स्केयर लिख लें सी स्केयर ओवर बी स्केयर यहां से बी स्केयर कैंसल इन दोनों का स्केयर आ रहा है सो इसे कॉमन ले लें प्लस वन और ये आ गया सी ओवर बी ए ओवर बी ओके क्लास ए ओवर बी के लिए अब हम देखते हैं कि यहाँ से क्या नोटेशन बनती है सो टेन थीटा इज़ इक्ल टू एवर बी दूसरा रिजल्ट हमारे पास है सी ओवर बी और सी ओवर बी अगर हम यहाँ से कॉस की वैल्यू बनाए क्योंकि कॉस की वैल्यू में ही बी आएगा और सी आएगा सो so, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू क्लास हमने यहाँ से कॉज ही क्यों लिखा यहाँ पर क्योंकि कॉस के फार्मूला में हमें बी और सी मिलता है इसलिए हमने यहाँ पर कॉस लिखा कॉस इज इक्वल टू आता है बी ओवर सी और अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें तो आ जाएगा सी कैन थीटा इज इक्वल टू सी ओवर बी राइट तो हमारे पास सी ओवर बी की वैल्यू भी आ गई और ए ओवर बी की वैल्यू भी आ गई जो हम इनकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे सो ये आ गया tan थीटा स्केयर प्लस वन और यहां पर आ जाएगा सीकेंड थीटा और ये इसका स्केयर सो so, टेन स्केयर थीटा और ये आ गया सीकेंड स्केयर थीटा इनको अरेंज कर लें वन प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा ओके okay, क्लास अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं दैट इज वन प्लस कॉर्ड स्केयर थीटा इज इक्वल टू कॉस्केंट स्केयर इसके लिए ट्राइंगल बनाई पैथागोरा थ्योरम अप्लाई किया और अब हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे ए स्केयर से सो ए स्केयर हर टर्म के नीचे हम ए स्केयर लिख लेंगे ये कैंसिल वन प्लस बी ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू सी ओवर ए स्केयर अब इनकी वैल्यूज़ देखी जाएं, तो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू आता है ए ओवर बी लेकिन हमें यहाँ पर रिजल्ट किसका चाहिए बी ओवर ए का सो so, इसको रेसिप्रोकल करना है रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कॉट की वैल्यू आएगी दैट इज बी ओवर ए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है सी ओवर ए तो सी ओवर ए वैल्यूज सी और ए हमारे पास ये रिजल्ट्स आते हैं साइन में सो साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी जिसे रेसिप्रोकल करके कॉसिकेंट की वैल्यू फाइंड की जाए तो आ जाएगी सी ओवर ए सो ये रिजल्ट अब हम नीचे पुट कर देंगे वन प्लस कॉट इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा और ये इसका स्केयर स्केयर अब इन टर्म्स के ऊपर लगा लें और ये हमारे पास हमारी लास्ट आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई ओके क्लास नेक्स्ट हमारे पास ये इम्पोर्टेंट टेबल है और इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो क्लास ये इम्पोर्टेंट बात आपको बताते चलें कि जब हम साइन कॉस टेन में थीटा किसी भी आर्बिटरी एंगल की वैल्यू पुट करते हुए कैलकुलेटर वर्क करते हुए आंसर फाइंड आउट करते हैं तो कभी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है और कभी नेगेटिव लेकिन इससे क्या है इससे हमें क्वाड्रेंट का पता चलता है कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है सेकंड में थर्ड में या फोर्थ में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग वैल्यू ऑफ थीटा तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव दे रहे होंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा राइट right? और अगर किसी आर्बिट्ररी थीटा की वैल्यूज़ पर सिर्फ साइन और साइन का जो रेसिप्रोकर फार्मूला है वही पॉजिटिव आंसर दे रहे हों और बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव आंसर दे रहे होंगे तो ये हमारे पास लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और अगर हमारे पास थर्ड और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर देखें तो टेन और टेन का जो रेसिप्रोकल कॉर्ट है अगर ये हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हों तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है लेकिन साथ ही कंडीशन ये भी ज़रूरी है कि दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव वैल्यू दे रहे हों फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें अगर कॉज और कॉज का रेसिप्रोकल ही जस्ट पॉजिटिव आंसर दे और बाकी तमाम नेगेटिव वैल्यू दे रहे हों तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए करेगा इसके अकॉर्डिंगली हम एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के बाद दोबारा से आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको एक्चुअल में तमाम ये ग्राफिकली चीज़ें जो हैं वो आप ख़ुद भी इसको बना सको और आपकी प्रैक्टिस हो जाए जैसे अभी एक प्रैक्टिस करते हैं वो ये आप कैलकुलेटर लें और वैल्यू फाइंड आउट करें साइन थ्री फिफ्टी डिग्री की यकीनी आपका आंसर नेगेटिव के साथ आएगा यानी आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन भी जरूर होगा इट्स क्लियर कि ये आपके पास आगे की तरफ मूव कर रहा है वैल्यू ठीक है क्योंकि ये ये जो एंगल है ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है और अगर आप इसी एंगल पर कॉस या सीकेंड की वैल्यू फाइंड करें कैलकुलेटर से ही तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्लियर तो दैट्स क्लियर कि जब आपके पास नेगेटिव आंसर आए तब आपका क्वाड्रेंट कैसे चेंज होता है और जब आपके पास पॉजिटिव एंगल आए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं आप वैल्यू फाइंड आउट करें सिक्सटी की साइन सिक्सटी की वैल्यू फाइंड आउट करें आपके पास क्लियरली पॉजिटिव आंसर आएगा उसके बाद आप इसी तरह कॉस सिक्सटी की वैल्यू फाइंड करें ये भी आपके पास पॉजिटिव होगा तो साइन और कॉज एट अ टाइम अगर पॉजिटिव हो रहे हैं इट्स मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए करते हैं क्योंकि हमारे पास साइन को अगर पॉजिटिव देखा जाए तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ये इरेस्पेक्टिव ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट और अगर कॉज को देखा जाए तो कॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है राइट right? तो अगर कहा जाए कि साइन और कॉज दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्लियर आपने माइंड में रखना है कि ये जो है ये मस्ट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं जिसकी वजह से साइन और कॉज या टेन भी आपको पॉजिटिव आंसर्स दे रहे हैं होप्स कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे ओके क्लास नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ फार्मूलाज हैं कि अगर हमारा एंगल नेगेटिव होगा तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किस तरह से चेंजिंग आएगी अगर तो साइन के नेक्स्ट कोई नेगेटिव एंगल हो तो नेगेटिव साइन बाद बाहर चला जाएगा इसी तरह कॉसिकेंट में भी अगर किसी नेगेटिव एंगल की वैल्यू फाइंड करना होगी तो नेगेटिव बाहर चला जाएगा जस्ट कॉस और कॉस के रेसिप्रोकल प्रोकल में माइनस नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर बाकी तमाम में माइनस जो है ये बाहर लिखा जाएगा और पॉजिटिव एंगल पर वैल्यू फाइंड की जाएगी लेकिन कॉस और सीकेंड पे हमारी क्या कंडीशन है ये कंडीशन है कि माइनस साइन बाहर भी नहीं आएगा बल्कि रिमूव हो जाएगा और पॉजिटिव एंगल की ही वैल्यू यहाँ पर फाइंड की जाएगी और वही हमारा आंसर होगा ओके क्लास होप्स सो कि आप लोगों ने अच्छे से इस लेक्चर को अटेंड किया होगा क्योंकि इस लेक्चर में बेसिक है फंडामेंटल आइडेंटिटीज और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय डेफिनेशन आपको बताई गई आप लोगों ने इसको अच्छे से लेक्चर को सुनना है और इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर लेना है नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नाइन पॉइंट टू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टे ब्लेस्ड स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा